जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 1986 में पूछा गया यह प्रश्न है, वन बी। ठीक है, तो देखो ये गांधी जी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। गांधी जी का कथन दिया हुआ है और इस कथन पे आपको अपनी राय व्यक्त करनी है 200 शब्दों के अंतर्गत। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज। देखो गांधी जी का स्टेटमेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि लिटिल टू टाउन ड्वेलर्स नो हाउ द सेमी स्टार्व्ड मासेस ऑफ इंडिया आर स्लोली सिंकिंग टू लाइफलेसनेस। कहने का मतलब है कि जो शहर में लोग रह रहे हैं उन्हें कम ही मालूम है कि किस प्रकार से जो भूखे कह सकते हो अधपेट रहने वाले ऐसे जो लोग हैं, जो स्टार्व्ड लोग हैं, ठीक है, भारत के, वो धीरे धीरे जीवन विहीन हो जा रहे हैं। मतलब उनमें जीवन जो है वो घटते जा रहा है। ठीक है, इसके कारण है क्योंकि जितने भी ब्रिटिशर वगैरह थे वो भारतीयों के साथ एक्सप्लाइटेशन करते थे और भारतीयों का एक्सप्लाइट करते थे, यहाँ से धन अनाज वगैरह जो भी होता था, और कड़ी लगान वसूलते थे और उसे जो है वहाँ से ले जाकर फिर वो ब्रिटेन लेकर चले जाते थे। इससे होता क्या था कि भारत में जो भी थोड़ा बहुत लोग कमा पाते थे उसका इतना लगान ही देना पड़ जाता था क्योंकि वो सब जो है कह सकते हो कि लगान देने में ही सारी की सारी उनकी फसल जो है चले जाते थे। तो लोग जो है भूख के कारण अपनी जानें गंवा देते थे। आप लोग बंगाल फेमाइन के बारे में जो है आप लोगों को मालूम हुई होगा कि कितने मिलियंस ऑफ पीपल जो है भूख के कारण उनमें उनकी जानें चली गई थी। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि लिटिल डू दे नो डैट देयर मिजरेबल कम्फर्ट रिप्रेजेंट द ब्रोकेज दे गेट फॉर द वर्क दे डू फॉर द फॉरेन एक्सप्लॉइटर्स। और वो जो ब्रोकर्स होते ना, ब्रिटिश जो है अपने से जो है कभी भी लगान नहीं वसूलता था। तो जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो बड़े बड़े बीच में ब्रोकर और बिचौलिए होते थे, उसके माध्यम से वो जो है आम और गरीब लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया करते थे। ठीक है, That the government established by law in British, और यह law कानून जो है वह ब्रिटेन और ब्रिटिश के द्वारा भारत में establish किया गया था। India is carried on for his exploitation of the masses, और भारत में mass level पे मतलब बहुतों की संख्या के स्तर पर जो है लोगों का exploitation किया जाता था। कब? उपनिवेश काल में और ब्रिटिश शासन काल के दौरान। बातें समझ में आ गई? ये गांधी जी का कथन है जो 1992 में कहा गया था, 1922 ईस्वी में इस कथन को महात्मा गांधी के द्वारा उद्धृत किया गया था। अब इस कथन के ऊपर आपको अपनी राय व्यक्त करनी है, अपना कमेंट करना है 200 शब्दों में। देखो शब्दों की सीमा का हमेशा ख्याल रखें जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को आप लिखें, आप अभ्यास करें, कुछ एक एग्जाम्पल दें जैसे बंगाल फेमाइन वगैरह का, फिर किस प्रकार से ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करते थे और कैसे यहाँ के जो आम जनता है वो जीवन विहीन धीरे धीरे हो रहे थे और कह सकते हो कि भूख से उनकी जानें किस प्रकार जा रही थी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप इस प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर?